नमस्कार। अभी तक हमने यह देखा कि भारत सरकार की नीतियों के द्वारा कैसे कोरोना महामारी के ना केवल बढ़ते हुए केस को रोका गया, बल्कि कोरोना महामारी से जो होने वाली मौतें हैं उसमें भी कमी की गई। अब हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर जिसका शीर्षक है डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, यस बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब कि क्या विकास ऋण स्थिरता को जन्म देता है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस शीर्षक को समझना अत्यंत ही आवश्यक है कि क्या विकास ऋण स्थिरता को जन्म देता है। तो जवाब है हाँ, लेकिन इसके विपरीत नहीं। मतलब कि ऋण स्थिरता विकास को जन्म नहीं देता है। आइए देखते हैं इसे विस्तार के साथ। एक उदाहरण यहां पर लिया गया है। उदाहरण क्या है जरा वो देखिए। उदाहरण यह है कि अगर किसी देश की सरकार 100 रुपए ऋण लेती है और इस 100 रुपए पर जो इंटरेस्ट है वह अगर 8% है, तो मतलब ये कितना होगा? यह होगा 8 रुपए। और उस देश की अगर वृद्धि दर 12% है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं यहां पर, कि सरकार ने 100 रुपए ऋण लिया, सरकार ने जो 100 रुपए का ऋण लिया है उस पर सरकार को कितना इंटरेस्ट पे करना है? 8%, मतलब 8 रुपए। लेकिन अगर ग्रोथ रेट 12% है, मतलब ये कि अगर उसी 100 रुपए को सरकार लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो सरकार को रिटर्न कितना मिलेगा? 112 रुपए। तो यहां पर सरकार को लाभ की प्राप्ति हो रही है कितने की? 4 रुपए की। तो अर्थ यहां पर यह है कि सरकार फिर क्या करेगी? तो फिर सरकार 100 रुपए ऋण लेगी, 112 रुपए सरकार को रिटर्न मिलेगा, सरकार को फिर कितने की लाभ की प्राप्ति होगी? 4 रुपए की। इसका अर्थ यहां पर यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट से ज्यादा ग्रोथ रेट हो तो फिर यह जो ऋण का भार होता है वह भार स्वरूप नहीं देखा जाता है। उस ऋण में एक सतता बनी रहती है, उसमें सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है, और कोई भी सरकार यह कार्य लगातार कर सकती है। यह बात कही है किसने? यह बात की है ब्लैंचार्ट ने 2019 में, जब अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंशियल एड्रेस वो दे रहे थे। तो यहां पर आपने यह बात समझ ली क्या कि किसी भी सरकार के लिए ऋण प्राप्त करना तब तक बुरा नहीं माना जाता है जब तक कि उसकी जो ग्रोथ रेट है, उस देश की जो वृद्धि दर है, वह वृद्धि दर सरकार के द्वारा जो ऋण प्राप्त किया जा रहा है, उस ऋण प्राप्त करने पर जो वह ब्याज दे रही है उस ब्याज की दर से ज्यादा हो। इसे सामान्य रूप में देखिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर, ध्यान से, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो ग्रोथ रेट से, तो फिर क्या होगा? हमेशा जो ऋण है वह ऋण का भार सरकार पर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि इंटरेस्ट रेट कम है ग्रोथ रेट से, तो फिर सरकार पर जो ऋण का भार है वह क्या होता चला जाएगा? वह लगातार कम होता चला जाएगा। और भारत के संदर्भ में यह जो कोरिलेशन है या सहसंबंध है वह देखा गया है। आगे देखिए, आगे यहां पर इस स्लाइड में हम जो बात करने वाले हैं वह काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। देखिए, काउंटर साइकिल की अगर हम बात करें तो हमें यह पता है कि अर्थव्यवस्था की अपनी एक चक्रीय स्थिति होती है। चक्रीय स्थिति का मतलब यहां पर यह है कि अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि वृद्धि दर महत्तम होती है, फिर अर्थव्यवस्था में कई ऐसे कारण उत्पन्न होते हैं जिसके कारण अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अपने निम्न स्थिति में पहुंचती है, पुनः सरकार और निजी क्षेत्रों के प्रयास के द्वारा फिर वो अर्थव्यवस्था फिर ऊपर की ओर चलती है। ये एक साइकिल की बात है। अब यहां पर यह है कि जब अर्थव्यवस्था में उच्च दर की स्थिति होती है तो इस उच्च दर की स्थिति में जो निजी क्षेत्र है उसके द्वारा निवेश करने की जो मात्रा है वह क्या हो जाती है? वह अपने उच्च स्तर पर मौजूद होती है। ठीक इसी समय में सरकार के द्वारा जो निवेश करने की मात्रा होती है वह अपने निम्न स्तर पर बनी होती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर अपने निम्न स्थिति में होती है
तो इसमें क्या देखा जाता है कि जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनके निवेश की मात्रा भी निम्न स्थिति में होती है। तो फिर इस चक्र से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जाता है? सरकार के द्वारा जो निवेश की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी की जाती है। यही यहां पर काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है। अब यहां पर अगर हम निजी निवेश और सरकारी निवेश के संबंधों की बात करें तो जो एडवांस्ड इकोनॉमी है, एडवांस इकोनॉमी यहां पर हमने दो को लिया है इस ग्राफ में, देखिए एक अमेरिका और दूसरा यूनाइटेड किंगडम। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि निजी क्षेत्र और सरकार, इन दोनों के द्वारा जो निवेश करने की मात्रा में अगर हम संबंधों की बात करें तो हमें यह कोरिलेशन या सहसंबंध कितना दिख रहा है? -0.9%, -0.9%। जबकि भारत के संदर्भ में कोरिलेशन क्या है? भारत के संदर्भ में कोरिलेशन की जो नेगेटिविटी वह क्या देख रहे हैं, हमें यहां पर कम देखने को मिल रही है। मतलब यहां पर यह है कि जहां पर सरकार के द्वारा निवेश की जानी चाहिए वहां पर उतने निवेश सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, और जिस समय निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश की जानी चाहिए उस समय निजी क्षेत्र के द्वारा उतने निवेश नहीं की जा रही है। यही एक बहुत बड़ा अंतर देखा जा रहा है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के संदर्भ में। कुल मिलाकर मैं यहां पर यह बात कहना चाह रहा हूं कि एडवांस इकोनॉमी में यह बात देखी जा रही है कि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र या सरकार के द्वारा जो निवेश है उसके बीच एक बेहतर सहसंबंध है, लेकिन भारत के संदर्भ में निजी क्षेत्र और सरकार के द्वारा जो निवेश किया जा रहा है उसमें बेहतर सहसंबंध नहीं है। अब यह सवाल है कि क्या भारत के द्वारा जो ऋण प्राप्त किया जा रहा है क्या उसमें सस्टेनेबिलिटी है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब आप यहां पर समझ चुके होंगे, उसका अर्थ यहां पर यह है कि क्या जो ऋण हम ले रहे हैं वह ऋण का भार हम पर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो ऋण ले रहे हैं उसमें हम वृद्धि दर को बढ़ा रहे हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण में यहां पर एक स्थिति को लिया गया, और यह जो स्थिति है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह वर्स्ट केस की स्थिति है। वर्स्ट केस कैसे? इसमें जो रियल ग्रोथ रेट है उसे कितना रखा गया? 3.8%, और नॉमिनल कितना रखा गया? 9%। हमें यह पता है कि रियल ग्रोथ रेट जब हम बात करते हैं मतलब उसमें से हम इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं, मुद्रा स्फीति के प्रभाव को हटाते हैं। इसीलिए यहां पर मुद्रा स्फीति के प्रसार को कितना रखा गया है अगर हम देखें तो 5% रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस ग्राफ के द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि अगर रियल ग्रोथ रेट 3.8% हो तो 2023 से अगर 2029 तक भी हम जाते हो तो हम यह देखते हैं कि इस वर्स्ट कंडीशन में रहने के बावजूद भी भारत के जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वह अच्छी है। मतलब यहां पर यह है कि भारत जो इंटरेस्ट रेट पे करता है वह इंटरेस्ट रेट कम है भारत के ग्रोथ रेट से। अब ऐसा नहीं कि यह पहली बार ऐसी स्थिति हो रही है, मतलब क्या कि हमें ऋण पर जोर नहीं देना है। हमें किस पे जोर देना है? हमें जोर देना है वृद्धि पर, विकास पे। और यह स्थिति पहले भी हो चुकी है, भारत ने इस स्थिति का सामना भी किया है। आगे बस इतना करना है कि इसी की पुनरावृत्ति भारत को करनी है। वह कौन सी स्थिति थी? स्थिति थी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997-98 की। तो यहां पर एक वित्तीय वर्ष है 1998 से 2003। इस 1998 से 2003 इस पूरे जो वित्तीय वर्ष है उसमें एक घटना ली गई है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। यहां पर जो हमारा ग्रोथ रेट था रियल टर्म्स में वो ऑन एन एवरेज कितना था? 5.3%। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भारत सरकार ने किस प्रकार की नीति को अपनाया? भारत सरकार ने नीति अपनाई एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब विस्तारवादी राजकोषीय नीति, जिसमें सरकार ने अपने व्यय में वृद्धि कर दी। सरकार ने क्या किया कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर लगातार खर्च किए, इससे सरकारी व्यय में लगातार वृद्धि हुई, और जो सरकार का ऋण और जीडीपी अनुपात है वह क्या हुआ? वह अपने मतलब ऐतिहासिक स्तर पर अगर हम देखें तो अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, रिकॉर्ड लेवल पर मौजूद था। यहां पर हम स्थिति क्या देख रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कि जीडीपी रियल टर्म्स में 5.3% था,
सरकार ने यहां पर विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाई, सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्च किया, मतलब सरकार ऋण लेकर खर्च कर रही होगी, सरकार ने ऋण लिया, ऋण लेने के बाद सरकार ने क्या किया, सरकार ने फिर उसको खर्च किया, पर खर्च करने के बाद यहां पर यह देखा गया कि सरकार के ऋण और जीडीपी का अनुपात अपने उच्च स्तर पर बना हुआ था। फिर हम आते हैं फाइनेंशियल ईयर 2004 से 2009 के बीच की बात करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम यहां पर यह देख रहे हैं कि 1998 से 2003 इस अवधि में सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर जो खर्च किया गया उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। देखने को यह मिल रहा है कि राजकोषीय और अवसंरचनात्मक जो सरकार के द्वारा उसके विकास से संबंधित सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए उसे 2004 से 2009 की इस अवधि में औसतन जो वृद्धि दर हुई वह कितनी थी, वह भी 8%। और ऋण और जीडीपी के अनुपात की अगर हम बात करें तो 2004 इस वित्तीय वर्ष में ऋण जीडीपी का अनुपात जो 83% था, 83% था, वो हम फाइनेंशियल ईयर 2010 में क्या देख रहे हैं कि वह कहां पर घटकर आया, 70% पर घटकर आया। तो इसीलिए यह बात जो कही जा रही है कि हमें विकास पर नजर रखनी चाहिए, ना कि हमें ऋण पर नजर रखनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हम विकास को बनाए रखते हैं तो ऋण की सतता लगातार बनी रहेगी, ना कि ऋण पर हम भरोसा करें तो विकास की सतता बनी रहेगी। अब पॉलिसी रिकमेंडेशन यहां पर क्या है वो देखिए। पॉलिसी रिकमेंडेशन यहां पर यह है कि जब मंदी की स्थिति हो तो उस मंदी की स्थिति में सरकारी खर्चे में तेजी होनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है वह उस खर्च से रिटर्न ज्यादा होता है, जिसके यहां पर टर्म दिया गया फिस्कल मल्टीप्लायर्स। मतलब कि अगर सरकार 1 रुपए खर्च कर रही है तो उस 1 रुपए को अगर सरकार मंदी की स्थिति में खर्च करती है तो उस पर जितना रिटर्न आएगा, ठीक अगर वही 1 रुपए सरकार उस स्थिति में खर्च करे जहां पर की अर्थव्यवस्था अपनी अच्छी स्थिति में है, तो रिटर्न दोनों में से किसमें ज्यादा मिलेगा, जहां पर अर्थव्यवस्था की स्थिति मंदी की स्थिति में। तो कोरोना महामारी के इस अवधि में जबकि अर्थव्यवस्था की रिकवरी अभी और होनी है, उसे पटरी पर अभी आना है, उसे अपनी गति पकड़नी है, तो सरकार को अपने व्यय में कमी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस व्यय को लगातार बनाए रखनी चाहिए। और इन सबका फायदा यहां पर ये होगा कि अगर सरकारी व्यय लगातार बढ़ती जाती है तो फिर धीरे धीरे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वह भी क्या होगा, उसमें भी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो भारत में यह आवश्यक है कि जो राजकोषीय नीति है उस राजकोषीय नीति पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। पुनर्विचार का मतलब यहां पर यह है कि राजकोषीय अनुशासन या फिस्कल जो डिसिप्लिन है उस पर अभी ज्यादा जोर ना दिया जाए, विकास पर ज्यादा जोर दिया जाए, और उस विकास की गति को प्राप्त करने के लिए, वृद्धि दर की गति को प्राप्त करने के लिए अगर आवश्यकता पड़े कि ज्यादा से ज्यादा ऋण लिया जाए तो उस ऋण को भी सरकार ले सकती है। तो कुल मिलाकर हमने इस चैप्टर में यहां पर देखा कि सरकार के लिए विकास पर जोर देना ज्यादा है, ना कि राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे चैप्टर की। अभी तक हमने आर्थिक सर्वेक्षण के वॉल्यूम 1 में जो 2 अध्याय या 2 चैप्टर है उस पर हमने चर्चा की है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर जिसका शीर्षक है डज इंडियाज सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स, जवाब है नो। मतलब कि क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग उसके मूल तत्वों को दर्शाती है, जवाब नहीं। नहीं कैसे, जरा इसे देखते हैं। इस ग्राफ को देखिए, यहां पर 1994 से 2020 तक लगभग जो 2 दशक हैं, 2 दशकों तक की इस अवधि में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रैंकिंग तय की गई है। और यह जो रैंकिंग तय की गई है वो किसके द्वारा है, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज के द्वारा। हम इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं, ग्राफ में हम यहां पर यह देख रहे हैं
कि पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था का यहां पर मतलब है कि जीडीपी का आकार कितना बड़ा है। तो जीडीपी के आकार के अनुसार पांचवीं जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, पिछले दो दशकों में हम यहां पर यह गौर कर रहे हैं कि इनकी जो रैंकिंग, चाहे वो स्टैंडर्ड एंड पुअर हो या मूडीज हो, वो रैंकिंग क्या दी गई है, ट्रिपल ए दी गई है। जबकि दो एशियाई देशों की अगर हम बात करें, एक चाइना, जब चाइना पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो चाइना को जो रैंकिंग दी गई स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड मूडीज के द्वारा, तो यह रैंकिंग काफी हद तक सिमटी हुई किसके बीच, ए और ए माइनस या ए टू और ए थ्री। और अगर भारत के रैंकिंग की हम बात करें या रेटिंग की बात करें, तो भारत की जो रेटिंग है वह इसके बीच है, वह है ट्रिपल बी या ट्रिपल बी माइनस। तो यहां पर यह बात देखी जा रही है कि पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो रेटिंग एजेंसीज हैं, उस रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग में बहुत बड़ा अंतर है। ज्यादातर जो इन्होंने रेटिंग दी है वह रेटिंग ट्रिपल ए, जबकि एशियाई देशों के संदर्भ में अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की भी रैंकिंग वही ए माइनस और ए, और भारत की हम बात करें तो वह उससे नीचे भी यहां पर रैंकिंग देखने को मिल रही है, रेटिंग देखने को मिल रही है। जबकि हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर रेटिंग में अन्य मानकों को शामिल किया जाए, जैसे इन्फ्लेशन या सरकार के ऋण और जीडीपी का अनुपात या जो चक्रीय एडजस्टेड प्राइमरी बैलेंस है वो, करंट अकाउंट बैलेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, मतलब ये जितने भी ये कारक हैं, इन कारकों के आधार पर अगर भारत के प्रदर्शनों की हम बात करें और उन प्रदर्शनों के आधार पर भारत के रेटिंग को तय करने की अगर हम बात करें तो वह न्याय संगत नहीं दिखता है। इन सब में बेहतर होने के बावजूद भारत की जो रैंकिंग है, वह रैंकिंग जो दूसरे देशों को दी गई है, जो भारत के समकक्ष जो दूसरे देश हैं उनको जो दी गई है, उससे काफी नीचे देखने को मिली है, चाहे वो 2000 हो, 2005 हो, 10 हो, 15 हो या 20 हो। मतलब यहां पर यह है कि रेटिंग एजेंसीज के द्वारा भारत को पिछले दो दशकों से जो रेटिंग दी जा रही है वह रेटिंग सही रूप में नहीं दी जा रही है, या यूं कहें कि वह न्याय संगत नहीं है। देखिए, अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग का क्या अर्थ है, तो रेटिंग का यहां पर अर्थ है कि अगर किसी देश को रेटिंग एजेंसीज के द्वारा ट्रिपल ए अगर ये रेटिंग दी जाती है तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यहां पर यह है कि उस देश के डिफॉल्ट होने की संभावना अत्यंत ही कम है। डिफॉल्ट होने का मतलब यहां पर यह है कि अगर उस देश के द्वारा ऋण प्राप्त किया गया है तो उसको वह चुकाने में काफी हद तक समर्थ है, नहीं चुकाने की संभावना अत्यंत ही कम है। यह भी रेटिंग की बात है। और अगर डिफॉल्ट की संभावना की हम बात करें किसी देश के संदर्भ में, तो देखिए वह कैसे तय होता है। एक तो यहां पर यह होता है कि उसने जो ऋण लिया है उस ऋण को वो वापस करना चाहता है या नहीं चाहता है, और दूसरा, क्या उसने जो ऋण प्राप्त किया है उस ऋण को चुकाने की क्षमता उसमें है कि नहीं है। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हम देख रहे हैं वह क्या है, दो चीज। पहला क्या, कि रिपे करने की या वापस करने की उसकी इच्छा है या नहीं है, और दूसरा, रिपे करने की क्षमता है कि नहीं है। अगर हम बात करते हैं विलिंगनेस टू रिपे की, तो भारत सरकार के द्वारा अभी तक जितने भी ऋण प्राप्त किए गए हैं, हमेशा से भारत सरकार की यह मंशा रही है कि उस ऋण को वह वापस करे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1991 की वह आर्थिक मंदी की स्थिति, जिसमें कि भारत ने अपने विलिंगनेस टू रिपे को शो करने के लिए अपने पास रखे हुए सोने को इंग्लैंड भेजा था। तो मतलब यह कि विलिंगनेस टू रिपे में कहीं पर कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए भारत के संदर्भ में।
दूसरी बात कि एबिलिटी टू रिपे, मतलब ये कि क्या भारत के पास ऋण चुकाने की क्षमता है या नहीं। यहां पर बहुत सारे आधार दिए गए हैं। एक तो यहां पर ये आधार दिया गया कि सॉवरेन फॉरेक्स जो ऑब्लिगेशन है, मतलब ये कि जो संप्रभु विदेशी ऋण का जो हमारे पास ऑब्लिगेशन है, वह ऑब्लिगेशन एक मायने में बहुत ही कम है। वह इसलिए कम है क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा बायलेटरल और मल्टीलेटरल जो डेट होते हैं उसको वो शामिल नहीं करते हैं, उस पर कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर उसको हम हटा दें तो भारत पर जो ऋण का ऑब्लिगेशन है वह काफी कम है। उसका कारण यहां पर यह भी बताया जाता है कि भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इस विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम तुलना भारत पर जो ऋण का भार है उस ऋण के भार से करें, तो हम यहां पर यह देखते हैं कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा है जबकि ऋण का भार वह क्या है, कम है। तो मतलब ये कि हम ऋण चुकाने की स्थिति में हैं और हमारा जो एबिलिटी टू रिपे है वह क्या है, वह काफी अच्छा है, वह काफी बेहतर है। तो दोनों आधारों पर, विलिंगनेस टू रिपे और एबिलिटी टू रिपे, इन दोनों आधारों पर भारत की स्थिति अच्छी है। और अगर इन दोनों आधारों पर भारत की स्थिति अच्छी है तो फिर भारत की रैंकिंग में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? भारत की रैंकिंग में सुधार, रेटिंग में सुधार होनी चाहिए, लेकिन रेटिंग में सुधार नहीं दिखने को मिल रही है। शायद यही कारण है कि इस प्रकार रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो मनमाना व्यवहार किया गया है भारत को रेटिंग देने में, उसका असर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नहीं पड़ा है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये शो कर रहा है, ये दिखा रहा है, लगातार ये दिखा रहा है कि रेटिंग एजेंसीज के द्वारा भारत की रेटिंग को बेहतर ना करने के बावजूद भी मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उस इंडिकेटर्स पर भारत के लिए नकारात्मक नहीं है, बल्कि वो क्या दिख रहे हैं, उसमें सकारात्मकता दिख रही है। मतलब ये शब्द वहां पर हमें क्या दिखने को मिल रहे हैं, ग्रीन्स दिख रहे हैं, ये सकारात्मकता के चिन्ह है। पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है, जरा वो देखिए। पॉलिसी इंप्लीकेशन ये बात कही जा रही है कि भारत की जो संप्रभु रेटिंग की जा रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, उसमें सबसे पहली बात यह है कि वह भारत के अर्थव्यवस्था के मूल लक्षणों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, उसे वह नहीं दिखाता है। दूसरी बात यहां पर यह है कि रेटिंग जो मेथडोलॉजी है उसमें करेक्शन करने की जरूरत है। करेक्शन करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा रेटिंग को तय करने के मेथडोलॉजी में अगर परिवर्तन नहीं किया जाता है तो इससे यह होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो वास्तविक रूप में अच्छी स्थिति में, जैसे कि भारत, लेकिन अगर उसकी रेटिंग उस हिसाब से नहीं की जाती है तो इससे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या विदेशी जो निवेश है, पोर्टफोलियो निवेश है, उसमें क्या होती है, उसमें कमी आती है। और दूसरी बात यहां पर यह देखी जा रही है कि प्रो जो साइक्लिकलिटी होती है क्रेडिट रेटिंग के द्वारा, इसको भी संबोधित किए जाने की आवश्यकता होती है, उसे भी संबोधित करने की जरूरत है। वह क्यों, वह इसलिए कि अगर हम इस प्रो साइक्लिकलिटी की बात करें तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि रेटिंग एजेंसीज क्या करती है कि अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो रेटिंग एजेंसी खुद ब खुद देश की जो रेटिंग होती है उसे नीचे गिरा देती है। और एक अर्थव्यवस्था की मंदी के समय में अगर किसी देश की रेटिंग नीचे जाती है तो फिर इसका असर यह होता है कि उसमें निवेश, उस देश में जो बाह्य निवेश है उसमें क्या होगी, उसमें गिरावट देखी जाएगी। तो फिर वो देश मंदी की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगा। और जो G20 की बैठक हुई थी, G20 की बैठक में इसे एड्रेस किया गया था। अभी तक हमने 3 अध्याय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इन 3 अध्यायों पर चर्चा करने के बाद हमने यह देखा कि कैसे सरकार की नीति ने कोरोना महामारी के प्रसार और कोरोना महामारी से होने वाली मृत्यु में कमी की। दूसरे अध्याय में हमने यह देखा कि विकास आवश्यक है क्योंकि विकास वृद्धि की दर को जितनी तेजी से हम बढ़ाते हैं उतने ही हमारे ऋण में सततता या सस्टेनेबिलिटी आती है। और तीसरे चैप्टर में हमने यहां पर यह देखा कि भारत की
जो रेटिंग तय की जाती है रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, वो भारत के मूलभूत आर्थिक या अर्थव्यवस्था की स्थिति को नहीं दर्शाता है। इसके साथ ही हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के अध्यायों पर चर्चा करेंगे। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.